तो यार लास्ट टाइम जब मैंने मैकडॉनल्ड्स को रिव्यू किया था ना, तो आप लोगों ने मुझे बहुत कहा था कि यार हैप्पी मील को रिव्यू करा। मुझे नहीं पता क्यों तुम लोग इतना कह रहे थे, लेकिन तुम लोगों की मैंने सुन ली है और आज हमारे पास हैप्पी मील आ चुका हुआ है। ठीक है ना, इस साइड पे इस बार स्माइली भी आ चुकी है, मेरे ख्याल से पहले नहीं होती थी, लेकिन एनीवेज लेट्स गेट इनटू द एनीवेज। यार आज की वीडियो का हमारा बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि हमने ये देखना है कि हैप्पी मील खाने के बाद, लिखा हुआ हैप्पी मील खाने के बाद बंदा हैप्पी होता है या नहीं। क्योंकि मैं पर्सनली बड़ा ही डिप्रेस सा बंदा हूँ, ठीक है ना, हर वक्त एनजाइटी होती है मुझे। अगर तो मैं हैप्पी ना हुआ इसके बाद तो मैं सू कर रहा हूँ इन लोगों को। एनीवेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम लोग लेट्स गेट इनटू द हैप्पी मील। सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है जी टॉय, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टॉय को अनबॉक्स करते हैं कि क्या है। बाहर से ये कोई टीनेज म्यूटेंट टर्टल वाला सीन कोई लग रहा है, निंजा टर्टल वाला। इसके पीछे इसकी कोई गाइड सी है कि ये किस तरह यूज़ करना है, इसके अंदर क्या क्या है। इसको हम लोग अब खोलते हैं। ओके, तो ये क्या है मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड। ओह, ये चेक करो, ये देखो, इसके पीछे एक वो भी है, एक असल कैरेक्टर, एक स्टिक फिगर सा कुछ है। और ये एक कोई हमें अलमारी सी दिया है इन लोगों ने, ये देखो यूं अलमारी है ये। तो ये देखो पीकाबू। एनीवेज, ओ नीचे गिर गया यार मेरा टर्टल। एनीवेज ये चेक करो यार, ये टर्टल कितना क्यूट है यार, वाओ। ये चेक करो, और अब मुझे नहीं पता इसका हमने क्या करना है। ये एक और रैपर है हमारे पास, ये है, इसका मैंने क्या करना है मुझे नहीं पता। कुछ तो करना है, ये मुझे पता है। अच्छा, हम लोग ज़रा कोई साइंस मारते हैं। ये जो है इसको हम यूं करके लगाएंगे। ये इसके देखो ये टू ऊपर पंच होल्स टाइप हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई पंच होल्स होंगे। ओह अच्छा, ये देखो ये यूं होता है, आगे पीछे होता है। अच्छा, लेकिन अब इसको करना क्या है हमने। ओह अच्छा, ये पंच होल इसके अंदर यूं करके अलाइन होंगे। ये अलाइन कर दिए और यहाँ से इसको मैं ज़रा फिट करता हूँ, रुको। ओके, तो मैंने फाइनली इसको फिक्स कर दिया यूं करके, ये लग गया ऊपर, हिलना हिल नहीं रहा, ये अच्छी बात है। अब जो सरप्राइज़ है ना हमारे पास, इसके अंदर मैंने निंजा टर्टल डालना है ताकि दरवाज़ा खुले तो सामने हो। यूं करके हम लोग ये जो निंजा टर्टल है उसको हम लोग अंदर रखते हैं। अच्छा, एक निंजा टर्टल के पाँव के नीचे वो पंच होल्स टाइप हैं, और यहाँ पर भी पंच होल्स हैं हमारे पास अंदर। ये देखो, ये पंच होल्स हैं हमारे पास अंदर, और इसके पाँव में भी पंच होल्स हैं, तो इसको हम लोग अब अंदर डाल देते हैं। अच्छा बॉयज, आई एम डन विद द टॉय। बंद करो दरवाज़ा, बंद करो। अच्छा, अब हम लोग इसको खोलेंगे दूर से। इस तरह है, मतलब सिंपल सा है, ये कोई नाइट क्लब्स है या रात की पिक्चर है एक कोई। और फिर गरम। एनीवेज मुझे तो बड़ा मज़े का टॉय लगा, मैं तो अभी से हैप्पी हो गया, और मैंने अभी तक मील को देखा भी नहीं है यार। ये इतना मज़े का, ये चेक करो, ये देखो अंदर बाहर जाता है, दरवाज़ा बंद। अच्छा भाई, ये मेरा फेवरेट टॉय हो गया, इसको मैं अभी कहीं संभाल लूँगा, ये मेरे पास होना चाहिए हर वक्त। इसको फिलहाल हम यहाँ पर रख देते हैं। एनीवेज, अब जो थोड़ा बोरिंग काम है वहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, जो हैप्पी मील है। मैं हैप्पी हो चुका हूँ, मैं सो नहीं कर रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स को, हैप्पी मैं पहले का हो चुका हूँ। एनीवेज, इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या क्या है। टिश्यू नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा फ्राइज़ नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो नैपकिनस हैं उनको साइड पर रख देते हैं। फिर हमें इन लोगों ने कुछ साशे दिए हुए हैं कैचअप के, जो कि निकल नहीं रहे मुझसे। ये रहे साशे कैचअप, एक चिली गार्लिक, दो नॉर्मल टोमेटो कैचअप, और ये हमें फ्राइज़ दिए हैं। और वैसे पता है क्वान्टिटी ज़्यादा लग रही है इन फ्राइज़ की मुझे, मतलब कंसिडरिंग कि ये इतना सा डब्बा है उसके हिसाब से। ओह वैसे नहीं, वैसे छोटे लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, असल में बड़े लग रहे हैं, देखो मेरे मुंह के साथ। एनीवेज, ये जो मज़े मज़े के फ्राइज़ हैं इनको हम लोग ज़रा ट्राई करते हैं अब। क्रिस्पी से फ्राइज़ हैं फुल। यार मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बेहतरीन फ्राइज़ हैं। मैंने बहुत सारे फ्राइज़ खाए हैं जिनके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। मुझे नहीं पता क्यों मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ जब खाते हैं ना तो इनमें कोई टेस्ट है, पता नहीं सॉल्टी होते हैं थोड़े से या क्या होते हैं, जो भी हैं बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, अभी जो लास्ट चीज़ है वो है हमारे पास बर्गर। अब हैप्पी मील में तीन तरह के मेरे ख्याल से हैप्पी मील होते हैं आजकल। एक जो हैप्पी मील होता है जो बेसिक चिकन वाला है, 310 रुपीज़ का था, इसमें चिकन बर्गर होता है, फ्राइज़ होते हैं और ड्रिंक होती है।
ड्रिंक जो थी वो मुझे नहीं मिली, पता नहीं क्यों, शायद वो भूल गए कहीं। चलो जो सेकंड होता है उसमें बीफ बर्गर होता है, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और जो थर्ड होता है उसमें चीज़ बर्गर होता है, उसकी और थोड़ी ज़्यादा होती है। मैंने सबसे बेसिक वाला लिया है जिसमें हैप्पी मील चिकन बर्गर होता है, और ये मैंने इसलिए लिया है इवन दो आई एम अ बिग फैन ऑफ बीफ बर्गर्स, चिकन बर्गर्स मैं नहीं मानता हूँ कि वो बर्गर्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं चिकन के। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि बचपन में ये मैं बहुत ज़्यादा खाता था चिकन बर्गर्स, और इसके साथ एक नॉस्टैल्जिक सी, मुझे ये लग रहा है कि मैं जब खाऊंगा ना तो ये एक नॉस्टैल्जिया सा हिट करेगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत अर से बात खा रहा हूँ और ये चिकन हैप्पी मील का, और मुझे इसका टेस्ट भी सही तरह याद है, बिल्कुल होममेड। आप इसको बहुत बच्चों वाला तरीका होता है इसको बनाने का, पैटी और केचप बस, और कुछ भी नहीं होता, और बन होता है जाहिर सी बात। मैं इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा था। एनीवेज इसको हम अनबॉक्स करते हैं या अनरैप करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये मुन्नू सा बर्गर होता है। ओ यार, इन्होंने अपग्रेड कर लिया अपना बर्गर। व्हाट, नहीं यार, इसके अंदर तो लेटस आ गया हुआ है और इसके अंदर मेयो है। नहीं यार, ये मुझे नॉस्टैल्जिया कैसे होगा अगर मैं कुछ और खाऊंगा तो। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर केचप होगी और बर्गर पैटी होगा, इन लोगों ने तो अंदर मेयो डाल दिए। ओ डैम, दैट्स अ बमर यार। एनीवेज फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। जो बन है वो चेक करो यार, कितना सॉफ्ट सा बन है यार, मतलब इसकी स्किन रूटीन मुझसे बेहतर है यार, वाह। चेक करते हैं अभी कैसा है। अच्छा डेफिनेटली थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया वाला तो टेस्ट है ना वो मुझे आया, क्योंकि जो बर्गर पैटी है उसका टेस्ट डिट्टो वैसा ही है जैसे 10 साल पहले था शायद। तो बर्गर पैटी तो बहुत मजे का है, बाकी जो टेस्ट है वो मैं इतना इसका बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। जो मुझे पहले होता था ना बिल्कुल सिंपल सा, अंदर सिर्फ केचप होती थी, वो मुझे बहुत पसंद था। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी मजे का, और मुझे तो जो मैक चिकन था जो मैंने खाया था, स्पाइसी मैक चिकन, डबल मैक चिकन या मैक क्रिस्पी कोई था, वो मुझे नहीं अच्छा लगा था। ये मज़े का लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों है, आप लोग देख सकते हो मेयो और अंदर लेटस है, और मज़े का है वैसे, बन भी बहुत सॉफ्ट सा है और इतना सिल्की सा बन है, स्मूथ सा बन है, मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा एनीवेज गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो तो करो यार, ज़बरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी, ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करना, लेकिन कर लो। उसके अलावा मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।